तो सबसे पहले मैं सदर इजलास डॉक्टर अमीरुद्दीन काजी अमीर साहब से अदबन गुजारिश गुजार हूँ कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ ले आएँ। उन्हीं के साथ साथ आज के उस्ताद शायर इज़्ज़त माँ वाली जनाब महमूद इनामदार साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो भी शहनशीन पर तशरीफ़ ले आएँ। उन्हीं के साथ इस प्रोग्राम के सेक्रेटरी इज़्ज़त माँ वाली जनाब अबू बकर मोमिन साहब, वो भी शहनशीन पर तशरीफ़ ले आएँ। जो दीन हक का सदा अहतमाम करते हैं, हदीस पाक का यूं अहतराम करते हैं, खुदा के बंदे मिले हैं जहां भी आपस में कलाम करने से पहले सलाम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा बंदा, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पे नाज करता हूं। खुदा बंदा, मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूं, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ। तहजीबों के इश्तराक की बुलंद फसील पर जलते हुए सबसे रोशन चराग की रोशनी, मेरी मुराद सदर जलसा इज्जत माँ वाली जनाब डॉक्टर अमीरुद्दीन काजी अमीर साहब। जहानतों को जुमलों में अपने तब्दील कर देने का सलीका रखने वाली शख्सियत इज्जत माँ वाली जनाब महमूद इनामदार साहब। अपनी गुफ्तगू से तुलबा व तालिबात को मज़ीद ज़हीन बनाने का शऊर रखने वाली शख्सियत प्रोफेसर अबू बकर मोमिन साहब। और मेरी आँखों के सामने तशरीफ़ फरमा तमाम आफ्ताब व महताब की शक्ल में अदब के अदब के परवानों और शोरा कराम, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती है, कबूलों के मोहब्बत सलाम कहती है। तो आइए इस खूबसूरत महफिल का आगाज़ उस पाक ज़ात के नाम से करना चाहता हूँ जिसने मुझे और आपको बनाया है, जिसके लिए सदियों से अल्फाज की मोती पिरोए जा रहे हैं, फिर भी हम उसकी तारीफ से कासिर हैं कि जिसके जलवे दश्तो दमन और बहरों बर पे छाए हुए हैं। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। तो आइए तिलावत कलाम पाक के लिए मैं सैयद इब्राहिम हुसैन अत्तार साहब से अदबन गुजारिश गुजार हूँ कि वो आए तिलावत कलाम पाक से आज की इस बज्म का आगाज़ करें। माइक पर सैयद इब्राहिम साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم والقرآن الحكيم سبحان الله.
आगाज़े मुशायरा उस खल्ला के आज़म के नाम से जिसके इस्म ग्रामी से शहर का सूरज तुलू होता है। इनकाद मुशायरा उस कादर मुतलक के नाम से जिसकी कसीदा खानिया करके तजलियाँ अपना सफ़र शुरू करती हैं। मेरी तहरीर को तासीर से महका रहा है, अंधेरी रह गुजर में लफ्ज़ को चमका रहा है। वही तो बाँटता है नूर की सौगात सबको, अजल से आज तक सूरज को वो दहका रहा है। हवा को दे रहा है बालों पर बादल को बारिश, सितारों को फलक में रास्ता समझा रहा है। वही तो सैर लब करता है हर तृष्णा दहन को, मोहब्बत की सुराई को वही छलका रहा है। सलीका दे रहा है गुफ्तगू का बेजबां को, वही तो है जो मुझे शेर कहने पे उकसा रहा है। तो आइए तिलावत कलाम पाक के बाद हम के लिए मैं जनाब इकबाल खादिम साहब से अदबन गुजार हूँ कि वो आए हम बारिक ताला पेश करें। तो उससे पहले आपको किसी को मालूम नहीं है सर, आपको सोचे भी नहीं, मैं कल जुमा के नमाज में था, शख्सियत बोले कि मुशायरा है, तो इस्लामी जमात में मुशायरा बंद हो चुका है। ये बेहतरीन गार्डन है, काजी साहब को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है। तो आज हिंदुस्तान के शहर राजेंद्र जी नहीं रह चुके, फिल्म अदाकार दिलीप कुमार नहीं रह सके, बीजापुर की हिस्टोरिकल सिटी के उनकी खता भी नहीं रहे, और मुतल्ली साहब दखनी साहब तो ये काम बेहतरीन है। जब भी आपको मुशायरे की जरूरत है तो मदद करने के लिए तैयार हूँ मैं। जरूर साहब, चंद लोग हैं मुशायरे को, उनको हमें इन्वाइट करना चाहिए, और ये हार भाने के बाद जो है हमें 2 मिनट के लिए उनके लिए कंडोल देना चाहिए। जी जी, चारों लोग बेहतरीन शायर, बेहतरीन अदाकार, एक बरस तक चलता है उनकी ऐसा, क्योंकि हमें स्पोर्ट्स में जाते हैं, बीच में स्पोर्ट्समैन बनते हैं, तो 8 महीने 6 महीने कंटिन्यू रहता है। तो 2 लोकल शायर नहीं, एक अदाकार नहीं, और एक जो है हमारे शायर, तो ऐसा इलाका है एक कराची लाहौर जैसा बहुत बड़ा इलाका है, हमारे यहाँ आबादी बहुत है, थोड़ा लोकल बहुत अच्छा होता है। मैं दिल की गहराइयों से जो है हमारे काजी साहब को जो है गुलपोशी करता हूँ, हमेशा यहाँ जिंदा रखें, बेहतरीन जगह है, बेहतरीन ये जो है एरिया है। बेहद शुक्रिया सर, शुक्रिया इसके साथ के ताज़ियती इजलास रहने से मैं गुलपेशी या गुलपोशी दोनों भी नहीं रहते थे, लेकिन आपकी मोहब्बत है, शुक्रिया। इदारे अदब के भी जानिब से मुशायरे शुरू होने वाले हैं इंशाल्लाह, दुआ कीजिए। तो आइए इस बज़ में हम बारिक ताला पेश करने के लिए आ रहे हैं इकबाल खादिम साहब, मन से गुजारिश गुजारूँ कि वो आएँ और हम बारिक ताला पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। चंद शेर हमद बारिया ताला के पेश करता हूँ। तेरी जात ला महदूद है, हर नफस का तू माबूद है। तेरी जात ला महदूद है, हर नफस का तू माबूद है। हैं तेरे कब्जे में बहरुबल, तेरे कर्म से हर वजूद है। तेरी जात ला महदूद है, पता पता तेरी करे सना, पता पता तेरी करे सना, डालियां करें सजदे अदा, डालियां करें सजदे अदा। हर गुल में है खुशबू तेरी, हर गुल में है खुशबू तेरी, खालिक है तू मसजूद है।
तेरी जात ला महदूद है, पत्ता पत्ता तेरी करे सना, पत्ता पत्ता तेरी करे सना, डालियां करें सजदे अदा, डालियां करें सजदे अदा, हर गुल में है खुशबू तेरी, हर गुल में है खुशबू तेरी, खालिक है तू मसजूद है, तेरी जात ला महदूद है, तेरा नूर शमशो कमर में है, तेरा नूर शमशो कमर में है, तेरा जलवा शाम सहर में है, तेरा जलवा शाम सहर में है, वहदत में तू कसरत में तू, वहदत में तू कसरत में तू, वाहिद है तू मकसूद है, तेरी जात ला महदूद है, मेरे अल्लाह क्या तेरी शान है, मेरे अल्लाह क्या तेरी शान है, तेरे दम से खादिम की जान है, तेरे दम से खादिम की जान है, तेरा जिक्र विर्द जुबान रहे, तेरा जिक्र विर्द जुबान रहे, हर दिल में तू मौजूद है, तेरी जात ला महदूद है, हर नफस का तू माबूद है। सुभान अल्लाह, ये थे खादिम साहब, अपनी सुरीली आवाज में हम बारिक ताला पेश कर रहे थे। आइए मोजे सामाइन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिट्टी उठाई, खाक अपने चुटकी में भरी, उसका एक पुतला बनाया, पुतले में रूह फोंक दी, जान डाल दी, हाथ बनाए, हाथों को दस्ते हुनर अता किया, पैर बनाए, पैरों को चलने की सआदत अता की, दिमाग बनाया, दिमाग को सोचने और समझने की सलाहियत अता की, आँखें बनाई, आँखों को देखने की बसीरत से नवाजा, और दिल बनाया और दिल में अपने और अपने महबूब के नूर को मुंतकल कर दिया। आइए उस नूर का गुफ्तगू करते हैं, उस नूर का जिक्र करते हैं, जिनके जिक्र से महफिलें नूरानी और खुशबूदाया हो जाया करती हैं। मेरी मुराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह अकीदत में नात का नजराना पेश करने के लिए आ रहे हैं इज्जत माँ बली जनाब जाकिर अहमद हन्नुट की साहब की, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। माइक पर जाकिर अहमद हन्नुट की साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाते शरीफ पेश कर रहा हूँ। उनकी चौखट पे जब जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी, सांस लेता हूँ तो आती है महकते बाकी, सांस लेता
ये हवा को चाहे सरकार से आई होगी, दिल तड़प जाएगा सीने में तेरे ऐ हाजी। दिल तड़प जाएगा सीने में तेरे ऐ हाजी, तेरी जिस वक्त मदीने से जुदाई होगी, तुझसे कुछ भी ना नकीरों ने ज़हूरी पूछा, कब्र में ना ते नबी तूने सुनाई होगी, कब्र में ना ते नबी तूने सुनाई होगी, उनकी चौखट पे जब जिसने झुकाई होगी, उसकी किस्मत पे फिदा सारी खुदाई होगी। सुभान अल्लाह, ये थे जाकिर साहब। तो ये मुझे सामाइन, हमारी ज़िंदगी सच पूछिए तो दो रुखी है, हमारी ज़िंदगी सच पूछिए तो दो रुखी है, कहीं गम से दुखी है तो कहीं खुशी भी सजी है, कहीं गम से दुखी है तो कहीं खुशी भी सजी है। न सोचो कि ज़िंदगी में कितने पल बाकी हैं, न सोचो कि ज़िंदगी में कितने पल बाकी हैं, ये देखो कि एक पल में ज़िंदगी कितनी बाकी है। तो आइए ये ताज़ियती इजलास में इस्तकबालिया वो ताज़ियती कलमात पेश करने के लिए मैं इज़्ज़त माँ वाली जनाब अबू बकर मोमिन साहब से अदबन गुजारिश गुजारूँ कि वो आएँ इस्तकबालिया वो ताज़ियती कलमात से नमाज़ें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। आज नौरस कमेटी बीजापुर के ज़ेर एहतमाम ताज़ियती इजलास और दखनी मुशायरा का इनकाद अमल में आया है। मौजिज सामान इकराम, दखनी मुशायरा और ताज़ियती इजलास के इनकाद का मकसद ये है कि हमारे बीच दो दखनी शोराए कराम मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब और मरहूम ख़ता शिवनगी साहब हमारी इस महफिल से जुदा हो गए। उनसे जुड़ी हुई यादें बहुत सी हैं, इससे पहले तरतीब के हिसाब से मैं आज के इस जलसे में तशरीफ़ फरमा मेहमान शायर जनाब महमूद इनामदार महमूद साहब का मैं दिल की अमी गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, और सदर इजलास अली जनाब मोहतरम डॉक्टर अमीरुद्दीन काजी
अमीर साहब का मैं खैर मकदम करता हूँ। और इस दखनी मुशायरे में जितने भी शौराए कराम यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, वो आज इस इजलास की नौयत के हिसाब से और दखनी मुशायरे के हिसाब से दखनी कलाम आपके सामने पढ़ेंगे। एक अलग सी नौयत है। कमिटी का मकसद ये रहा, मौजूद सामईन इकराम, के आज के इस मुशायरे के ज़रिए मरहूमीन खता शिवनकी साहब और कमाल दखनी साहब को ताज़ियत पेश की जाए। और इसी बहाने हमारे लिए बड़ी अच्छी बात यह रही कि हमेशा संजीदगी से शायरी करने वाले, उर्दू में शायरी करने वाले, शाइस्ता ज़ुबान में शायरी करने वाले शौरा कराम भी दखनी ज़ुबान में तबा आजमाई किए। यह हमारे लिए बहुत बेहतरीन बात है। वाकई मैं बहसियत जो संजीदा शायर के मैं भी जो है दखनी कलाम लिखकर आपके सामने पेश होऊंगा। बहुत से शौरा कराम यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं जितने भी शौरा कराम यहाँ तशरीफ फरमा हैं उनका दिली खैर मकदम करता हूँ। और बड़े शौक से इस दखनी मुशायरे को सुनने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। तमाम सामईन का भी मैं दिल की अमीक गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। तो आइए आज के इस इजलास की नियत के हिसाब से मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब के मुतालिक मुख्तसर चंद बातें मैं आपके बताना मुनासिब समझूंगा कि अब देखिए कमाल दखनी साहब और खता शिवनकी साहब के इंतकाल का सिर्फ और सिर्फ जो है दो दिन का फ़र्क है। ये आपके मालूमात में मैं फराहम करना चाहता हूँ कि मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब 22 अप्रैल को जो है 2021 22 अप्रैल को उनका इंतकाल हुआ। फिर दो दिन के बाद 24 अप्रैल को मरहूम खता शिवनकी साहब का जो है इंतकाल हुआ। तो सिर्फ दो दिन का जो है फ़र्क है। तो हमारी शायरी की महफिलों में, मुशायरों में दो दिग्गज जो है शौराए कराम, अब उनसे हम महरूम हो गए। तो हमने ये रिवायत डाली कि दो दखनी शौराए कराम अब हमारे बीच न रहे। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारे शौराए कराम में से जो संजीदा शायर हैं, शौरा हैं, उनमें से कुछ दखनी शौरा पैदा हो जाएं। ऐसी इस नियत से कमिटी ने यह तय किया है। तो आप ये जानते हैं मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब अक्सर इदारा अदब इस्लामी के मुशायरों में शरीक फरमाते थे और दखनी शायरी से आपको महसूस फरमाते थे। और इनकी दखनी शायरी मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि तवज्जो फरमाएं। मरहूम दखनी साहब की दखनी शायरी, उसकी नियत अगर हम देखेंगे तो इनकी दखनी शायरी में इतना अदब भरा हुआ था कि जब वो आप कलाम पढ़ने के लिए खड़े हो जाते तो मिजाह के साथ साथ समाज के ऊपर आप तंज भी करते थे और रहनुमाई भी करते थे अपने दखनी कलाम के ज़रिए। तो आप ये ना समझें मौजूद सामईन इकराम कि दखनी कलाम सिर्फ हंसाने के लिए होता है। इसकी एक अपनी आइडेंटिफिकेशन, एक अपनी पहचान है। इसके ज़रिए समाज के सुधार के लिए, लोगों की रहनुमाई के लिए दखनी कलाम के ज़रिए, दखनी शायरी के ज़रिए बहुत बड़ा काम हुआ है। हमारे गुलबर्गा के सुलेमान खतीब साहब आप जानते हैं, जी बड़े दखनी शायर गुजरे हैं। उनके कलाम को अगर आप पढ़ेंगे तो बड़ी नसीहतें, रहनुमाई और आपके उसमें दखनी कलाम के ज़रिए फ़नी सलाहियतों का भी आपने मुजाहरा किया है। ऐसा नहीं कि दखनी कलाम के ज़रिए फ़न का लिहाज नहीं रखा जाता, फ़न की कसूटी पर दखनी शौरा भी खड़े उतरते हैं। इस बात को आप याद रखें। तो इससे ये पता चला है कि मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब का जो मजमुआ है गोखरू के कांटे, उनके कलाम के मजमुए में पढ़ने के बाद उनकी तमाम फ़न की खसूसियतें, दखनी कलामों के फ़न की खसूसियतें हमारे सामने आती हैं। और उन पर यूँ समझे कि आप तो जानते हैं कि शायर जो है
जगबीती के साथ साथ आप बीती भी पेश करता है। वो तमाम चीज़ें गोखरू के कांटे उनका जो मजमू कलाम है उसमें आपको मिलेंगे। अब देखिए मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब ने हकगोई से काम लिया है अपने कलामों के ज़रिए और जुरातमंदी से काम लिया है। दूसरी चीज़, कमाल दखनी साहब ने सिर्फ दखनी में ही नहीं उर्दू में भी गज़लें लिखी हैं और हमद नात मनखिबत भी लिखी हैं। आपका मजमूआ गोखरू के कांटे में पहले हिस्से में दखनी कलाम का बड़ा हिस्सा मौजूद है। आप उनकी तसनीफ़ को उठा कर देखें, मजमू कलाम को उठा कर देखें, तो हमद है, नात है, मनखिबत भी है और दूसरे हिस्से में कतात नज़में वगैरह भी मौजूद हैं। मैं ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता, आप उनके कला उनकी तसनीफ़ को उनके मजमू कलाम को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो बहरहाल उनके चंद अशार मैं आप पेश करना मुनासिब समझूंगा मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब के। अब इसके बाद मैं ख़ता शिवणगी साहब के शख्सियत और उनके फ़न पर भी रोशनी डालूंगा। तो देखिए, एक तो संजीदगी भी मौजूद होती है और मजाया भी होता है और तंज भी होता है। घर में नहीं चुमनी जग पो उजाला डालना कथूँ, घर में नहीं चुमनी जग पो उजाला डालना कथूँ, हिमाकत देखो मेरी चांद पो उजाला डालना कथूँ, फटका बोरा फटकी चद्दर भी नहीं नसीब को मेरे, फटका बोरा फटकी चद्दर भी नहीं नसीब को मेरे, मुर्गी मुचने टोकरी नहीं हाथी पालना कथूँ। ये इनके ऐसे तो बहुत से मजाया कलाम भी हैं, नसीहतें भी हैं उनके कलामों में। बेहया होना चिकना घड़ा होना, बेहया होना चिकना घड़ा होना, कड़वा करेला नीम चढ़ा होना, ऐसे पनपतई सियासत में कमाल, ऐसे पनपतई सियासत में कमाल, मुंह हल्का बेलगाम घोड़ा होना। हाँ, बेलगाम घोड़ा होना सियासत में, सियासत की तरफ उन्होंने जो है तंज किया है। अब देखिए उनकी संजीदा गजल की तरफ मैं आ रहा हूँ। कोई गाहक मेरे घर नहीं आता, कोई गाहक मेरे घर नहीं आता, झूठ बोलने का मुझे हुनर नहीं आता, भूल कर भी परिंदा इधर नहीं आता, जब तक पेड़ पर समर नहीं आता, बालों पर ही काफ़ी नहीं उड़ने के लिए, बालों पर ही काफ़ी नहीं उड़ने के लिए, हौसला नहीं तो शऊर सफ़र भी नहीं आता। आखिरी मैं रुबाई पढ़ रहा हूँ मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब की। मैं इदारा अदब इस्लामी के सेक्रेटरी साहब मोहतरम अब्दुल कदीर साहब तशरीफ फरमा है, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ। दुष्काल में फ़कीर को भीख में बघारा याद आया। देखिए कमाल दखनी साहब का यहाँ पर एक रुबाई आ रही है। दुष्काल में फ़कीर को भीख में बघारा याद आया, अंधे को सावन की रात में हरा याद आया, अंधे को सावन की रात में हरा याद आया, उम्र भर था मगन जिंदगी के बाजार में, कफन में मुर्दे को हशर का सौदा याद आया। तो आइए, ऐसे तो बड़ी तफसीलें हैं इनकी फ़न और शख्सियत पर रोशनी डालने के लिए। मरहूम जनाब कमाल दखनी साहब बड़े अच्छे दखनी शौराओं में शुमार किए जाते हैं। तो मैं अब अली जनाब मरहूम जनाब ख़ता शिवणगी साहब पर ज़रा मुख्तसर तौर पर सिर्फ 2 मिनट में रोशनी डाल रहा हूँ, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ कि आप बड़ी बेताबी से शौराओं को सुनने के लिए बैठे हैं। आपका इंतकाल 24 अप्रैल 2021 को हुआ। आपका मजमू कलाम अनमोल ख़ता, वैसे तो आप महकमे तालीम से वाबिस्ता थे और कमाल दखनी साहब जो हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट से वाबिस्ता थे। ये बात याद रखें। तो आपके मजमू कलाम अनमोल ख़ता में ऐसे तो दखनी कलाम बहुत से मौजूद हैं, उसके साथ साथ हमद नात मनखिबत गज़ल दुआ नज़में और दिगर असनाफ भी जो है, इनकी जो तसनीफ़ है, इनका मजमू कलाम है अनमोल ख़ता, उसमें
मौजूद हैं। तो मैं जल्द से जल्द एक नमूने के तौर पर उनके कुछ अशार आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो उनके मजमूए कलाम अनमोल खता में मौजूद हैं। इससे पता चलेगा आपको कि उनके फ़न की खसूसियतें क्या थीं। आज हम उनको याद कर रहे हैं, उनकी कमी महसूस हो रही है। अक्सर हमारे इदारे अदब इस्लामी में कमाल दखनी साहब भी और ख़ता शिवनगी साहब भी जो है बेहतरीन कलाम से हमें नवाजते थे, ये बात हमारे सेक्रेटरी साहब भी जानते हैं अब्दुल कदीर साहब। तो आइए, तू वादा कर को तोड़ू नको, ख़ता साहब फरमा रहे हैं अपने मजमूए कलाम में, तू वादा कर को तोड़ू नको, घर को आने का छोड़ू नको, घर को आने का छोड़ू नको, तेरे काले बाला दिसते मुझे, तेरे काले बाला डसते मुझे, यूं नागिन दिखते खोलू नको, यूं नागिन दिखते खोलू नको। मिजाज है, इसमें पहलू है, इसमें मिजाज का पहलू है, मिजाजी शायरी है। गोरे गोरे गाला यूं, गोरे गोरे गाला यूं, जुल्फा डाल को मुचू नको, ये पट्टा ठीकीज पट्टा है, ये पट्टा ठीकीज पट्टा है, लुच्चा कर को समझू नको, लुच्चा कर को समझू नको, तुझे देख खता का दिल लगता है, तुझे देख खता का दिल लगता है, यूं मुखड़ा दिखाना बिसरू नको। ये उनकी कलाम की मिजाजी पहलू है। तो आइए, गया मौका बात कुछ और हो गई, ख़ता शिवनगी साहब फरमा रहे हैं, आखिरी मैं तीन अशार पढ़ के बात को ख़त्म कर रहा हूँ। गया मौका बात कुछ और हो गई, अब तो ज़रा जाग मियाँ सहर हो गई, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, बात तेरी पिया मुझको गोहर हो गई, खता उठाओ हाथ खुदा के हुजूर में, खता उठाओ हाथ खुदा के हुजूर में, अजा हो रही है चलो फजर हो गई। तो ये कमाल दखनी साहब के संजीदा शायरी भी थी और दखनी शायरी भी थी। ये आखिर में एक जुमला बयान करते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। मौजिज़ सामाई निकराम, दखनी शायरी हमारी रिवायत है। आदिलशाही दौर में जितने भी सुल्तान गुजरे हैं वो तमाम के तमाम दखनी शायरी की हौसला अफजाई करते थे, दखनी शौराओं की हौसला अफजाई करते थे। नुसरती का नाम तो आप सुने हैं, वो मुल्कुल शौरा जो है कहलाए जाते हैं दखनी ज़ुबान में। ये हमारी दखनी जो शायरी है वो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, हमारी पहचान है, शहर बीजापुर की पहचान है, दखन की पहचान है। इसलिए नौरस कमेटी की जानिब से हमने ये रिवायत को डालने की कोशिश की। हालांकि बीजापुर में बहुत से मुशायरे दखनी पर भी हुए हैं, दखनी शायरी पर भी हुए हैं, हमने भी सोचा कि भाई ये दो दिग्गज जो शौराए कराम के इंतकाल के बाद दखनी शायरी हमारे शहर से महरूम ना हो जाए, इसलिए हमने ये इस रिवायत को कायम करने के लिए संजीदा शायरों को भी जो है हौसला अफजाई करने की कोशिश की है। ऐसे तो बहुत से बातें हैं, मैं यहाँ पर अपने ख्यालात को इख्तिताम देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। तो तमाम सामाइन से गुजारिश है कि एक मिनट के लिए खड़े हो जाएं, कंडोलेंस हो। जी सर, स्टार्ट। बैठ जाएं, तमाम सामान से गुजारिश है कि बैठ जाएं। तो ये मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है, कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं है, कड़वा है सच तो मानने तैयार नहीं है, बस होश इस कदर है कि होशियार नहीं है, लड़ना तो दरकिनार के यारों हमारे पास, हथियार डालने को भी हथियार नहीं है। दो हथियार दखनी के हमारे थे, इस शहर से वो
चले जा चुके हैं, तो नवरस कमेटी की कोशिश है कि नए हथियार फिर से तैयार करें दखनी मुशायरे के ज़रिए। तो आइए, सबसे पहले मैं आवाज़ देना चाहता हूँ जनाब दादा पीर कैफ साहब को कि वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। जनाब दादा पीर कैफ।